क्लास टेंथ है जी, सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, यूनिट सिक्स है, टॉपिक सिक्स है और आज का टॉपिक है एसिडिक रेन एंड इट्स इफेक्ट्स। टॉपिक है जी एसिडिक रेन एंड इट्स इफेक्ट। कल हमने पढ़ा था कि जब फॉसिल फ्यूल की बर्निंग होती है तो उससे डिफरेंट ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं, सल्फ़र के और नाइट्रोजन के, लाइक सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड सल्फ़र ट्राईऑक्साइड। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं NO एंड NO2। और ये ऑक्साइड्स जब एयर में जाते हैं तो वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करके डिफरेंट एसिड्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, लाइक सल्फ़र के डिफरेंट ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, जो नॉर्मल रेन है वो वीकली एसिडिक रेन में, नॉर्मल रेन जो है वो एसिडिक रेन में कन्वर्ट हो जाती है। जो नॉर्मल रेन है वो वीकली एसिडिक रेन में कब कन्वर्ट होती है, जब कार्बन के डिफरेंट ऑक्साइड एयर के साथ रिएक्ट करते हैं, कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं और इसकी पीएच वैल्यू 5.626 होती है। बट रेन वाटर ऑन डिजॉल्विंग द एयर पोल्यूटेंट्स, एयर पोल्यूटेंट कौन से हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, दैट बिकम मोर एसिडिक एंड इट्स पीएच रिड्यूसेस टू 4। और इन एयर पोल्यूटेंट्स के वाटर में डिजॉल्व होने से इसकी पीएच रिड्यूस होके 4 तक, एसिडिक रेन जो रेन वाटर है उसकी पीएच रिड्यूस होके 4 तक चली जाती है। तो हम इस रेन को क्या कंसिडर करते हैं, एसिडिक रेन कंसिडर करते हैं। सो एसिडिक रेन इज़ फॉर्म्ड ऑन डिजॉल्विंग एसिडिक एयर पोल्यूटेंट्स सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बाय रेन वाटर। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, रिस्पेक्टिव एसिड्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये एसिड जब वाटर में, रेन वाटर में डिजॉल्व होकर एसिडिक रेन की फॉर्म में अर्थ पे आते हैं, तो ये सॉइल को डैमेज करते हैं, एनिमल और प्लांट्स को डैमेज करते हैं और एक्वाटिक लाइफ को डैमेज करते हैं। ये हम इसके इफ़ेक्ट्स में इंशाल्लाह भी पढ़ते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिडिक रेन है, फर्स्ट वन है एसिडिक रेन ऑन सॉइल एंड रॉक्स लीचेज हैवी मेटल्स लाइक एलुमिनियम मर्करी लेड एंड क्रोमियम। इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिडिक रेन में फर्स्ट जो इफ़ेक्ट है वो क्या है कि एसिडिक रेन जो है वो सॉइल और रॉक्स को डैमेज करती है। कब ये डैमेज करती है, जब एसिडिक रेन फॉल करती है रॉक्स पे या सॉइल पे, तो उसमें जो हैवी मेटल्स होते हैं उन्हें अपने साथ लीचीज में उन्हें अपने साथ डिसॉल्व कर लेती है और डिसॉल्व करके उन मेटल्स को रिवर और लेक्स में ले जाती है। कौन कौन से मेटल्स को, एलुमिनियम मर्करी है लेड एयर क्रोमियम है। और जब ये मेटल्स डिसॉल्व होके रिवर या लेक्स में ले जाते हैं तो इसी वाटर को ह्यूमन बींग यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग पर्पजेज के लिए। ये मेटल्स जब ह्यूमन बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाती हैं टॉक्सिक लेवल तक तो डिफरेंट डिजीज़ क्रिएट करती हैं। इसी तरह से एक्वाटिक लाइफ जो लेक्स में प्रेजेंट होती है वो भी इन मेटल्स की हाई कंसंट्रेशन से सफ़र होती है। स्पेशली हाई कंसंट्रेशन ऑफ एलुमिनियम आइंस क्लॉग द फिश गिल्स। जब गिल्स क्या करती हैं, इन मेटल्स को कंज्यूम करती हैं जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं, तो उनके क्लॉग्स जो हैं, गिल्स जो हैं वो उनमें क्लॉगिंग हो जाती है, वो क्लोज हो जाते हैं, जिससे सफोकेशन होती है और अल्टीमेटली वो डाई हो जाती है। सेकंड क्या है जी, एसिडिक रेन अटैक द कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन द मार्बल एंड लाइमस्टोन ऑफ द बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स। क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट को अटैक करके वहाँ से डिसॉल्व कर देती हैं, डिसॉल्व करके रिमूव कर लेती हैं, और जब ये रिमूव हो जाता है तो बिल्डिंग्स जो हैं दैट आर गेटिंग डल एंड एरोडेड डे बाय डे। थर्ड इसका इफेक्ट अगर आप देखें तो वो क्या है, एसिडिक रेन इंक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल में जब एसिड्स डिफरेंट ऐड हो जाते हैं तो उससे सॉइल में एसिडिटी क्रिएट हो जाती है, और जो एसिडिक सॉइल होती है वहाँ पर क्रॉप्स और प्लांट्स हैं वो ईजिली ग्रो नहीं कर सकते। इट ऑल्सो इंक्रीज द टॉक्सिक मेटल्स इन द सॉइल्स दैट पॉइजन द वेजिटेशंस that even old trees are being affected due to acidity of the soil and their growth is retarded, mean their growth जो है उनकी growth रुक जाती है and they get dry and die. Last है जी, acidic rain जो है वो directly plant और tree के leaves को damage करती है, क्योंकि leaves जो है वो उसका एक soft part होता है, उसको वो directly damage कैसे करती है कि जो acidic rain है वो directly fall करती है leaves पे, उसके बाद वो स्टेम्स पे या रूट्स पे इफ़ेक्ट करती है। डायरेक्टली वो किस चीज़ को इफ़ेक्ट करती है, लीव्स को इफ़ेक्ट करती है।
जिससे जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ लिमिट हो जाती है एंड देयर दस लिमिटिंग देयर ग्रोथ एंड डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ डैमेज प्लांट ग्रोथ कैन बी हैम्पर्ड, कि कितना सिवियरली एसिडिक रेन ने प्लांट ग्रोथ को इफेक्ट किया है या लीव्स को डैमेज किया है उसकी बेस पे ये डिपेंड करता है कि उसकी ग्रोथ में कितनी चेंजिंग आई है या कितना उसमें वो इफेक्ट हुई है। प्लांट्स कैपेबिलिटी टू रेजिस्ट कोल्ड और डिजीज रिड्यूस एंड अल्टीमेटली डाई।